हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे. मैं हूं अंजुम हसन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे. वो है मैथोलॉजिक. तो यहाँ पर हम मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स हम डील करेंगे. सो उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें. हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सी ए फाउंडेशन का थर्ड पेपर, जो कि डील करता है मैथमेटिक्स से. तो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, बिजनेस मैथमेटिक्स. और इसका नेक्स्ट पार्ट होता है पार्ट बी, वो है लॉजिकल रीजनिंग. एंड लास्ट में आता है पार्ट सी, स्टैटिस्टिक्स. ये तीनों मिलाकर होता है हमारा पेपर थ्री कंप्लीट. एंड हम एक के बाद एक पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब्जेक्ट. हम शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट पहले टॉपिक से, जो है पार्ट ए, बिजनेस मैथमेटिक्स. उसमें आते हैं टोटली 8 टॉपिक्स. वो बहुत इजी हैं. देखिए, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग पहले अपने दिमाग में एक मैप बना लेंगे कि हमें बस इतने टॉपिक्स कंप्लीट करना है. तो उस हिसाब से अगर हम वैसे स्टार्ट किए तो हमारे ब्रेन भी एक रिलैक्सेशन मोड पर आ जाएगा कि ओके ठीक है, सिर्फ इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं एंड अगर हम ये 1 by 1 कम्प्लीट करें बिल्कुल भी जल्दी खत्म हो जाएंगे. अगर हम ये मैपिंग नहीं किए, अब मतलब कितना हमारा सब्जेक्ट है, कितना कहाँ स्टार्ट एंड एंड है, तो हमारे ब्रेन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा एंड हम पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा लेजी हो जाएंगे. ठीक है, वो आलस दूर करने के लिए हम पहले हम माइंड मैपिंग कर लेंगे. हमको बस सिर्फ और सिर्फ 8 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इजी है एंड बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, वो है पार्ट ए में. और इससे ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जो भी मैथमेटिक्स लिए थे आपने 12th या इंटरमीडिएट लेवल में, उन लोगों के लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा सब्जेक्ट, बिकॉज आप सारे चीज़ें सारे टॉपिक ऑलरेडी इन डिटेल आप पढ़ चुके हैं. बट जो लोग 12th में मैथ्स नहीं लिए थे, जिसका 12th में मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, तो उन लोग भी फिक्र ना करें. उन लोग के लिए भी ये वीडियोस बहुत यूज़फुल होंगे. एंड ऐसा नहीं है कि मैं एकदम स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ा दूंगी. मैं बहुत बेसिक लेवल से बहुत बिट बाय बिट प्रोसेस समझाते हुए लेकर जाना चाह रही हूँ ये सब्जेक्ट. सो कोई सब लोग फिक्र ना करें. 12th के स्टूडेंट जिसको आता है, उन लोग थोड़ी सी पेशेंस रखें, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लें. और जो लोग 10th के हैं, उन लोग बेसिक देखना है, तो बहुत बेसिक से मैं शुरू करने वाली हूँ. तो इसमें हैं 8 टॉपिक्स. वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, लीनियर इन इक्वेशंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सेट्स, फंक्शन एंड रिलेशन. एंड आखिरी आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. सो ये सारे टॉपिक्स आपको लग रहा होगा कि हम सीएमए क्यों कर रहे होंगे. हमारी बिजनेस लाइफ में, हमारी यू नो प्रैक्टिकली अगर हम बिजनेस करने जाएं तो ये बहुत यूज होते हैं. सी बेसिक एक छोटा मोटा बिजनेस हम जो करते हैं ना, हम ये सब अनइंटेंशनल बहुत बार यूज़ कर रहे हैं ये टॉपिक्स. बट हमें नहीं पता है कि वो चीज़ें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से डील करिए. अब जैसे कि देखिए आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सी हर किसी के पास, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, हर किसी के पास बैंक अकाउंट है. सब लोग पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट भी कर रहे हैं. और आप लोग है ना ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट का भी यूसेज कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि ये इससे डील करता है. ठीक है, आपको बस पता है कि आपको इंटरेस्ट मिल जा रहा है उस पर, एक थोड़े एक पॉइंट के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जा रहा है. ठीक है, आपको बस इतना पता है. अब हम क्या करेंगे उसको, हम ना दूसरे एंगल से देखेंगे कि कैसा कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का, क्यों मिल रहा है. एक एक पॉइंट के बाद एक वैल्यू जो मनी पैसों की रहती है, आज आगे जाकर वो वैल्यू उससे बढ़ जाती है. इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारे चीज़ें इसमें होते हैं जो हम वही चैप्टर में, जब हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें इन डिटेल हम देखेंगे कि कैसा वर्कआउट करता. ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये बिजनेस वर्ल्ड में ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, इसीलिए हमें फाउंडेशन लेवल पर ये पढ़कर हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए ये सारे टॉपिक्स हमें इंट्रोड्यूस हुए हैं. तो हम इन डिटेल एक हर चैप्टर में इन डिटेल उसके एप्लीकेशन जिसको कहाँ पर यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे. मैं एक एग्जांपल दी थी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. सो अब हम जाते हैं पार्ट बी में, लॉजिकल रीजनिंग. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये सारे टॉपिक्स जो लॉजिकल रीजनिंग में जो यहाँ पर मेंशन है, वो सारे टॉपिक्स यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उस
में यूज होते हैं, जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं वो सारे चीज़ों में ये लॉजिकल रीजनिंग यूज होता है. एंड ICAI बहुत अच्छा काम किए कि ये सारे ना चीज़ें इंक्लूड कर दिए. अगर आप ICAI फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि MBA के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, CAT वगैरह होता है, वो भी बहुत ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. सो ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और सबसे स्कोरिंग है यहाँ पर, आपको फॉर्मूलेज की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपका दिमाग लगता है, सिर्फ आपका ब्रेन और लॉजिक लगता है जो कि करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो इस समय उन सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं बिना कोई फॉर्मूले रिमेम्बरेंस के. तो आप सोच सकते हैं कितना इजी हो सकता है ये स्कोरिंग हो सकता है. ये खुद ये 5 टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेंगे तो 20 मार्क्स आपके पक्के. पहला आता है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और मैन आउट. ये सारे चीज़ें आप लोग एज अ पजल करे होंगे आप लोग अपनी लाइफ में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर यू नो ट्रिक योर ब्रेन टाइप के क्वेश्चन जैसा लगने वाले हैं. और ये बहुत सिंपल एंड इजी टॉपिक्स हैं जो कि बहुत जल्दी कवर हो जाएगा. सीटिंग अरेंजमेंट्स ये भी हम देखेंगे इन डिटेल में. ब्लड रिलेशंस ये इसीलिए रहता है अपने कोर्स में क्योंकि फ्यूचर में जाकर जब आप आगे पढ़ेंगे, जब लॉ में रहेगा, बहुत सारे यू नो स्टैंडर्ड्स में रहेगा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में रहेगा कि आपके रिलेटिव्स कौन कौन पढ़ते हैं वो डेफिनेशन के हिसाब से. सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ट्रू और फॉल्स एक कोई स्टेटमेंट रहता है, उसको ट्रू या फॉल्स बताना रहता है. नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और मैनआउट, 1 टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट, सीडिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन एंड सिलोजिज्म. तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे तो हमारे 20 मार्क्स पक्के हैं. पढ़ना नहीं है बट ब्रेन को एक्सरसाइज देने रहेंगे. नेक्स्ट आता है 5C स्टैटिस्टिक्स. मे बी आप सबके लिए ये स्टैटिस्टिक एकदम से न्यू होगा बिकॉज ये MCQ में रहेगा, तो आप लोग के लिए बहुत ही इजी रहेगा. लॉन्ग क्वेश्चंस या ग्राफ्स वगैरह नहीं आएंगे. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में कैसा है, स्टैटिस्टिक्स ऐसे है ऐसे एक पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट कर रहे हैं और उस बेसिस पे हम अपना बिजनेस डेटाज डालकर हम कंपेयर कर सकते हैं कि नेक्स्ट लास्ट ईयर कैसा था, ये साल कैसा है हमारा बिजनेस का प्रोग्रेस और आने वाले उसमें हम बजट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. ये एक बेसिक स्टैटिस्टिक का वो था एक रॉ लैंग्वेज में. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. ये कुछ भी नहीं है, बस इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये भी हम जब डिटेल में जाएंगे, हम इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे इसका यूसेज एंड ये क्या है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी सारे लोग कर चुके होंगे 12th में, बट अगेन प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट आज बारिश होगी कि नहीं होगी, कितने चांसेस है बारिश होने के, कितने चांसेस नहीं है. इट वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल. तो ऐसा रहेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी रहेगा, बस आपको इसमें प्रोबेबिलिटी में अपना लॉजिक लगाया रहेगा. थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन ये एक टॉपिक है जो कि ना एक टेक्निकल टॉपिक. कोरिलेशन रिग्रेशन वो भी सेम वैसी टेक्निकल टॉपिक है. इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज ये भी हम इन डिटेल देखेंगे. सो ये 3 पार्ट जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स को. ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं बट ट्रस्ट मी सबसे ईजिएस्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स, हमारा ये पेपर 3. सो उसके लिए एक ही चीज़ हमें बार बार करनी है, प्रैक्टिस एंड रिविजन. यही 2 चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं, जो आपको कामयाबी दिला सकती हैं. क्या आपको पता है ICAI का लोगल में चील यानी ईगल क्यों है? क्योंकि जब बारिश पड़ती है तब सारे चिड़िया घोंसले में घुस जाते हैं, बट जो चील होती है वो आसमानों के ऊपर, बादलों के ऊपर जाती है अब पानी बारिश से बचने के लिए. सो ICAI चाहता है कि उनके स्टूडेंट्स उस तरह से आसमानों को छुए, आसमानों के ऊपर बियॉन्ड काम करें, बहुत आगे की काम करें. तो इसलिए बहुत ईजी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है. यही मोटिवेशन से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, उसके पूरे डिटेल्स स्टार्ट टिल एंड. कोई भी टॉपिक नहीं मिस करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें. जब तक के लिए टेक केयर, बाय.